ही माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, वेलकम टू एम्प्टी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी पाव भाजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और घर बैठे बैठे ही आप पाव भाजी खा सकते हैं। चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा तेल। और देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून उतना ज़ीरा और 1 टेबल स्पून उतना पाव भाजी मसाला। और अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं और मसाला जल ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 बारीक से कटी हुई टमाटर। और देखिए अच्छे से यहाँ पे मैंने मिला भी लिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे ली हूँ मैं 3 उतने आलू, जिसके मैंने यहाँ पे अच्छे से छिलके निकाले हैं और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। और इसी के साथ थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी फ्रेश मटर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। अच्छे से हम यहाँ पे सब चीज़ें मिला लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हमें पानी डाल लेना है, थोड़ा सा ही, और 2 विजल आने तक अच्छे से हमें यहाँ पे ढककर गला लेना है। और देखिए इस तरीके से कर लेने से जल्द गल भी जाते हैं और मैश करने का टाइम भी बहुत सारा बच जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 विजल तक पका लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे 2 विजल भी आ चुकी थी, मैंने गैस के फ्लेम को भी बंद कर दिया है और 5 मिनट छोड़कर मैं यहाँ पे ढक्कन भी निकाल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से सब्जियाँ भी गल चुकी है। आप इसी तरीके से पकाएं क्योंकि बहुत सारा टाइम बच जाता है। और अच्छे से एक बार हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने मैशर भी ले लिया है और अच्छे से यहाँ पे मैं मैश कर लेती हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसी वक्त मैश कर लेना है अच्छे से। और देखिए कितने जल्द से हो जा रहा है मैश, और अच्छे से यहाँ पे मैश भी हो चुका है। और मैं इसे अब यहाँ पे एक साइड में रख लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून इतना बटर, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल किया है। और अच्छे से यहाँ पे हम मिला लेते हैं और बटर भी बहुत ही बढ़िया से पिघल चुका है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी सी कटी हुई कैप्सिकम, जिसे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अच्छे से एक बार हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं कुछ सेकेंड्स तक। 4 बड़े बारीक से कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, और अच्छे से हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, तब तक हमें यहाँ पे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। और देखिए यहाँ पे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 बारीक सी कटी हुई हरी मिर्च। आप यहाँ पे हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून उतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून उतना पाव भाजी मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून उतना लहसुन का पेस्ट, 1/4 टेबल स्पून उतना अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून उतना नमक और 1 टेबल स्पून उतनी कसूरी मेथी, जिसे हमें अच्छे से यहाँ पे क्रश करते हुए ऐड कर देना है। और देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से क्रश करके ऐड कर दिया है, और उसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बारीक से कटे हुए धनिया के पत्ते। और अच्छे से हमें यहाँ पे लगातार 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पका लेना है, क्योंकि सब मसाले अच्छे से सब चीज़ों में मिल जाना चाहिए और थोड़ा सा पक भी जाना चाहिए। और देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर पका लिया है, और इसमें ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 उतना लेमन जूस और थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना इसे स्किप कर सकते हैं। और 1 मिनट तक फिर से हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे से एक बार यहाँ पे मैं मिला लेती हूँ। और इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ जो प्रेशर कुकर में हमने सब्जियाँ गलाई थी ना, वो अब हम इसी में ही ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिया है और अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हुए पका लेते हैं। और देखिए हमें यहाँ पे इसी तरीके से मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और देखिए आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड में और मैंने बहुत सारा टाइम बच जाए, इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पाव भाजी बनाने का तरीका बताया है और बहुत ही डिलीशियस भी बनता है, इसलिए आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। घर बैठे बैठे ही आप पाव भाजी भी खा सकते हैं, इसलिए आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। और देखिए आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे जितनी गाड़ी चाहिए आप उतनी ही गाड़ी यहाँ पे बना ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छे से यहाँ पे मैं मैश कर लेती हूँ।
और देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी भाजी भी रेडी हो चुकी है और सब्जियाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, बहुत ही बढ़िया से मैश भी हो चुका है। आप भी इसी तरीके से प्रेशर कुकर में डालकर पकाएं, बहुत ही बढ़िया से जल्द भाजी भी रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैं गैस के फ्लेम को भी बंद कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून इतना बटर, और बटर को भी अच्छे से यहाँ पे पिघला लेते हैं। और बटर भी अच्छे से यहाँ पे पिघल चुका है। इसी के ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़े से बारीक से कटे हुए धनिया के पत्ते और थोड़ी सी भाजी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और देखिए यहाँ पे मैंने पाव भी ले लिया है और इसे कट भी लगा लिया है और अच्छे से हम यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे अलट पलट करते हुए अच्छे से पाव को रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया लगता है पाव और खाने में भी मज़ा ही आ जाता है। और देखिए अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुका है और मैं इसे यहाँ पे एक प्लेट में रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा बाजार जैसा ही पाव भाजी रेडी हो चुका है, आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। अगर आपको मेरी बनाई हुई पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगे हो तो एमटी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया सी वीडियोज़ जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सकें।